कि मगरमच्छ का सामने वाला चेहरा है बिल्कुल शेयर के स्किल का है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों देखिए, आज हम आए हैं कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, और ये जो मैं आप पीछे देख सकते हैं ना, ये है मेन इसका एंट्री गेट, और आगे से जो वहाँ पे आपको हम लेके जाएंगे वहाँ पे इसका टिकट काउंटर है। तो फिलहाल आइए हम चल के इसका लेते हैं टिकट। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन म्यूजियम का टिकट काउंटर है, और यहाँ से जो है हम टिकट ले लेते हैं। काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है। तो वैसे देखिए, हमने टिकट ले लिया है ना। 50 रुपये का एंट्री टिकट था, और 60 रुपये का जो है मोबाइल एंट्री का है कैमरा, और ये आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना, तो ऊपर में ये लिखा हुआ 1814, यानी ये जो है 1814 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं म्यूजियम के अंदर, और यहाँ पे पहुँचते ही आपको दिख सकते हैं अंदर में बहुत सारे स्टैचूज, और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसके अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको एंशियंट काल के बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिल सकती हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये असल में उस ज़माने के कुछ मंदिरों के कुछ अवशेष हैं जो कि यहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको इस तरह की बहुत सारी स्टैचूज भी दिखने को मिलती हैं। आगे में जो आपको एक दरवाज़ा दिख रहा है बड़ा सा, ये असल में उस ज़माने के किसी मंदिर का दरवाज़ा है, और यहाँ पे अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे कुछ पिलर्स के अवशेष हैं। और अगर इसको हम दिखाएं दोस्तों, तो ये जो है ये गया के महाबोधि मंदिर की एक फोटो है, जो कि बुद्ध धर्म की बहुत ही बड़ी तीर्थ स्थल है। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, ये असल में महात्मा बुद्ध की छोटी छोटी स्टैचूज है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, और इसे कितने प्यार से जो है इस म्यूजियम के अंदर संजोग के यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, और इसके अंदर देख सकते हैं आप, और ये देखिए ये जो है ये सब जो है उस ज़माने के मंदिर के ही अवशेष यहाँ पे सारे हैं, और ये भी देख सकते हैं आप, ये भी किसी मंदिर का ही अवशेष लग रहा है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर एक और मंदिर है, और ये देख अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना ज़्यादा बड़ा है और कितने सारे सामान यहाँ पे रखे गए हैं। तो दोस्तों जहां तक हम इस म्यूजियम के बारे में बताएं, तो यहां पे ऐसा कहा जाता है कि यहां पर टोटल 25 लाख चीज़ें जो है यहां पे रखी गई हैं, और यहां पर आप जो है ये सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये कुछ मूर्तियां यहां पे रखी हुई हैं, और ये जो पूरा मैप आपको दिख रहा है दोस्तों, ये असल में ये बता रहा है कि भारत में कितने आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आप पूरी जानकारी यहाँ से इसकी ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत सारी स्टैचूज यहाँ पर रखी हुई हैं। इधर आप देख सकते हैं ये भी है, ये पिलर्स हैं। तो दोस्तों अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आकर के सारी जानकारी जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको हम दिखाते हैं पुराने ज़माने के सिक्के। इस डिपार्टमेंट में आपको हर ज़माने के सिक्के जो है यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। तो ये जो आपको सिक्का दिख रहा है गाइज, ये मुग़ल दौर का सिक्का है। ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये उस ज़माने के, ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये साउथ इंडिया के टाइम का सिक्का है, और ये पोस्ट गुप्ता पीरियड का सिक्का है, और ये वाला जो है ये गुप्ता एम्पायर। और दोस्तों यहाँ पे आपको इंडियन म्यूजियम की पूरी जानकारी मिल सकती है, कब बना था, क्यों बना था और कैसे बना था। और गाइस जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो दोस्तों जहाँ तक हम बताएं इस म्यूजियम के बारे में ना, तो ये समझिए कि पूरे एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। मतलब मुझे मालूम था नहीं, और जब मुझे ये मालूम चला तो मैं खुद मतलब सुन के ये हैरान हो गया था। अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों पहले मंजिल पे पहुंचते ही यहाँ पे आपको क्वीन विक्टोरिया की एक स्टैचू दिखती है, साथ ही में यहाँ पे एक गैलरी भी है। तो दोस्तों ये जो गैलरी है, ये यहाँ की आर्ट गैलरी है। यहाँ पे आपको एंशियंट, मेडिवल और तमाम दौर की बहुत सारी पेंटिंग्स देख सकते हैं। साइज में आप देख सकते हैं काफी बड़ी है, काफी विशाल है। और गाइस अगर आपको पेंटिंग्स की जानकारी चाहिए, तो यहाँ से उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। इधर अगर आपको हम दिखाएं, तो यहाँ पर भी एक पेंटिंग का नमूना पेश किया गया है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंटिंग्स को देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ यहाँ पे आई हुई है। साथ ही साथ गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर भी कुछ पेंटिंग्स हैं। यहां पे हनुमान जी की पेंटिंग है, सीने में सीता जी और राम जी हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके अलावा यहां पे बहुत सारी देवी देवताओं की यहां पर फोटो लगी हुई है, और ये मुगल काल की कोई किताब है। और दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है, ये इजिप्ट का डिपार्टमेंट है, यानी इसके अंदर आपको ममीज दिखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टैचूज दिख सकते हैं, और इसी तरह से इसके अंदर जो है ना, ये पूरा इस मम्मी इसके अंदर है, ये हमने देख लिया। लेकिन इसके अंदर जो है वीडियोज़ अलाउड नहीं था, और ये जो है पूरा एसी रूम था। लेकिन अगर आप मम्मी को देखिएगा, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो जीता जाता कोई सचमुच का कोई इंसान जो है वो लेटा हुआ है। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से म्यूजियम कितना प्यारा लग रहा है। नीचे में काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, और ये जो है दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह बिल्कुल लगता है। और जहाँ तक हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसे जॉर्जियन स्टाइल कहा जाता है। ये जो है जियोलॉजिकल गैलरी, यानी इसमें जो है ना फिश, रेप्टाइल और बर्ड्स
दिखेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ना, ये देखिए कितना बड़ा है ये, है ना। वाकई में ये एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। ये देखिए, ये है क्रोकोडाइल का मतलब स्केलेटन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पक्षी वगैरह है। और ये देखिए, ये भी एक मगरमच्छ है। और अगर इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है ना वल्चर है, ये चील है, ये सारे खतरनाक चिड़ियाँ यहाँ पे हैं। और ये देखिए, ये है मोर, है ना। ऊपर के आपको बहुत सारे पक्षी दिख सकते हैं। और अगर ये जो है ना, ये है साउथ अमेरिका की पक्षी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर तोता है। और ये जो ऑस्ट्रिच लग रहा है ये, और यहाँ पर भी एक ऑस्ट्रिच है गाइस। तो ये अफ्रीका के जानवर हैं। और गाइस अंदर देखिए, इसके अंदर जो है ना, ये क्रोकोडाइल है, लंबा था, बहुत ही बड़ा। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं इसको, ये आप देख सकते हैं गाइस, ये है क्रोकोडाइल। और यहाँ पे कछुए हैं, और इसमें जो है यहाँ पे सांप का बहुत सारा है बना हुआ, एक सांप लंबा सा यहाँ पर भी है। ये है फिश गैलरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी फिश हैं, मछली के स्पेसिस यहाँ पे हैं। और ये देख सकते हैं गाइस, कितनी बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली है ये। इधर भी आप देख सकते हैं, ये है शार्क, ग्रे शार्क। और एक मछली ये भी है गाइस। और इस गैलरी में गाइस, ये टेक्सटाइल की गैलरी है। यहाँ पे आपको कई तरह के कपड़े वगैरह देख सकते हैं, पुराने पुराने। ये देखिए, पुरानी चादर कपड़े हैं, ये पुराने टाइम की साड़ी लग रही है गाइस। और दोस्तों यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर आपको राजा महाराजा के कपड़े दिख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, इधर भी कुछ लेडीज रानी महारानी का कपड़ा है ये सब। और गाइस यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर पुराने राजा महाराजा के जो तलवार, ये सब चीज़ यहाँ पर आपको दिख सकती है। और गाइस ये जो सामने में आपको दरवाज़ा दिख रहा है ना, ये कथियार वाले का सामने वाला गेट। और गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बर्तन वेसल्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ आपको दिख सकती है। और गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ताजमहल का लकड़ी का है। और गाइस ये देखिए, मगरमच्छ का स्केलेटन है, नीचे भी है और ऊपर में भी है। और बहुत सारे हड्डी वगैरह आपको दिख सकते हैं, ये सब फॉसिल्स हैं। ये देखिए, मगरमच्छ का सामने वाला चेहरा है बिल्कुल। और गाइस ये जो है ना, ये कीड़े मकोड़े का है म्यूज़ियम। मतलब इस पूरी गैलरी में ना आपको ऐसे ऐसे कीड़े दिखेंगे जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ये आप देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जो भी कुछ यहाँ फॉसिल्स दिखाया है ना, फॉसिल में असली क्या है ना, कोई भी मॉडल वगैरह यहाँ पर नहीं है। और गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ पर जूलॉजिकल गैलरी में, ये देख सकते हैं, ये यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये आदमी का स्केलेटन है ना। और ये सब जो है गाइस, ये देख सकते हैं, आदमी के पाँव का स्केलेटन है। और ये देखिए, ये वेस्टर्न गोरिल्ला का हड्डी है, ये भी गोरिल्ला का है। और ये भी किसी जानवर का ही है। और ये भी इस तरह से देख सकते हैं गाइस आप, ये बैबून का है और ये मेंडरिल का है ना। यहाँ पे आप सारे जानवर को यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये भी आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए। और अब यहाँ पे आपको गाइस हिरन दिख सकते हैं आपको। और गाइस ये जो है ना, ये शेर का स्केलेटन है, ये भालू का स्केलेटन है। और गाइस ये जो है ना, ये वाइल्ड बीस्ट का स्केलेटन है। और ये देखिए, ये नील गाय। और अब गाइस आप देख सकते हैं, ये है पूरा हाथी का स्केलेटन। और ये सब असली का स्केलेटन है गाइस। और गाइस ये है पोलर बियर, देखिए कितने खतरनाक खतरनाक जानवर हैं। ये देखिए कंगारू। और यहाँ पे आपको ये सब दिख सकती है, ये सब मछली है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जिराफ का स्केलेटन। और ये देख सकते हैं, ये राइनो का है, राइनोसोरस का स्केलेटन है। और गाइस ये जो है ना, ये हिप्पोपोटामस का स्केलेटन है, ये देख सकते हैं गाइस आप। तो गाइस ये जो है ना, ये कैमल का स्केलेटन है। और गाइस ये जो है ना, ये व्हेल मछली का स्केलेटन है। और गाइस अब आप देखिए, ये कितना बड़ा लग रहा है, ये जो है ना, ये व्हेल मछली का इतना बड़ा स्केलेटन है, ये आप देख सकते हैं।
और दोस्तों एक स्किनर भी ऊपर टंगा हुआ है, तो ये भी जो है ना ये भी एक तरह की व्हेल मछली का ही स्केलेटन है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये कि ऊपर में जो टंगा हुआ है ना ये व्हेल का स्कल है, एक्चुअली ब्लू व्हेल का स्कल है। ये है जूलॉजिकल गैलरी है ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर भी खतरनाक खतरनाक जानवर के आपको दिख सकते हैं। ये देखिए और गाइस यहाँ पर देखिए ये सुअर है और ये जो है शेर है, और शेर ने यहाँ पर एक हिरन का यहाँ पर शिकार किया है। और यहाँ पर देखिए गाइस छोटे छोटे चूहे का फॉसिल्स है। और गाइस ये देखिए ये सब जो है ना इनवर्टेब्रेट फॉसिल्स हैं। और यहाँ पर जैसे हम घुसते हैं अंदर में तो यहाँ पर जो है ना आपको एक आयरिश डियर का पूरा स्केलेटन दिखता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप देख सकते हो गाइस ये कितना बड़ा है, पूरे में आपको यहाँ पर फॉसिल्स ही फॉसिल्स दिख सकते हैं गाइस। और ये देखिए ये कछुआ का है, और यहाँ पर जो है ना आपको प्लांट के फॉसिल्स भी दिख सकते हैं। तो गाइस ऊपर वाले में हमने पूरा घूम लिया है ना, और यहाँ पर जो है सिर्फ इजिप्ट का जो म्यूजियम था ना उसमें समझिए कि हम लोग जो है वो वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ पर वीडियो और फोटो कुछ भी अलाउड नहीं था। और दोस्तों आपको हम इस म्यूजियम के बारे में ये बता देना, ये जो म्यूजियम है ना ये 6 हिस्से में बटा हुआ है। पहला है इंडियन आर्ट, उसके बाद आर्कियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, और सबका यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, तो आप अपने उसी हिसाब से जो है ना ये 6 सेक्शन यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। और दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर ही ना टेराकोटा एंड माइनर आर्ट्स की गैलरी है, तो ये आप देख सकते हैं ये है गैलरी, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर अंदर की फोटो वगैरह हम नहीं ले पाए। और दोस्तों आपको हम एक और चीज़ और ये बता दें कि यहाँ पर घूमने के लिए जो है ना आप थोड़ा सवेरे आइएगा ताकि आप सही से हर एक चीज़ घूम पाइए। 9 बजे ये खुल जाता है और शाम के 5 बजे ये बंद हो जाता है, मंडे को हमेशा बंद रहता है। तो कैसे इस तरह से हमने म्यूजियम घुमा दिया है, हो सकता है कोई छूट भी गया हो, लेकिन इससे आपको अनुभव हो गया होगा ये जो म्यूजियम है ना कितना बड़ा है ना, और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और ये म्यूजियम भी हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए धमाके के साथ। तो ये